बिजनेस सेक्टर की दो बड़ी कंपनियों में इस समय सीधे टकराव की स्थिति बन गई है। वहीं देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज की भी इस विवाद में एंट्री हो गई है। अमेजोन की ओर से विवाद को लेकर रिलायंस इंडस्ट्रीज का नाम लिया जा रहा है। वहीं तबाही हुई कंपनी अपने स्टोर का किराया तक चुकता नहीं कर पाई। 4800 करोड़ रुपए का किराया बाकी हो जाने पर रिलायंस को उसे अपना स्टोर सरेंडर करना पड़ा है। किशोर बयानी के समूह फ्यूचर रिटेल लिमिटेड की अमेजोन इंक के बीच बात नहीं बनी। दोनों कंपनियां अदालत के बाहर समझौता करने में विफल रही। वहीं अब रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने पिछले महीने RFL समूह के साथ सैकड़ों स्टोरों पर कब्जा कर लिया। रिलायंस की ओर से यह कार्रवाई RFL के 4800 करोड़ रुपए बकाया किराया को लेकर की। वहीं अब कंपनियों के बीच आरोप प्रत्यारोपों का दौर चल पड़ा है। दरअसल किशोर बियानी के एक भारतीय व्यवसायी है जो फ्यूचर ग्रुप के संस्थापक और CEO है। वे भारत के सबसे बड़े ईंट व मोटर खुदरा विक्रेताओं में से एक, वह पैंटालून रिटेल और बिग बाजार जैसा खुदरा व्यवसायों के संस्थापक भी हैं। FRL ने अब 835 से अधिक स्टोरों का नियंत्रण खो दिया है। अमेजोन ने फ्यूचर रिटेल और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड पर धोखाधड़ी का आरोप भी लगाया है। गुरुवार को फ्यूचर ग्रुप की ओर से कहा गया है कि 1400 करोड़ अमेजोन फ्यूचर विवादित सौदे के लाए 26,000 करोड़ की कंपनी को नष्ट कर दिया। अमेजोन जो करना चाहता था उसमें वह सफल रहा। कंपनी की ओर से आगे कहा गया है कि अब कोई हमारे साथ व्यापार नहीं करना चाहता। यह बात फ्यूचर रिटेल ने RIL की बिल्डिंग में अपने स्टोर को लेकर कही। दरअसल किशोर बियानी एक भारतीय व्यवसायी हैं जो फ्यूचर ग्रुप के संस्थापक और CEO हैं। वह भारत के सबसे बड़े ईंट व मोर्टार खुदरा विक्रेताओं में से भी एक।